Welcome my dear friends. In geography option by the online classes and here we are discussing polity. Dear friends, इस समय हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पिछला जो आपका वीडियो था उसमें हमने जो भारत की विभिन्न प्रकार की निधियां हैं, जैसे कि हमने बात की वहाँ पे संचित निधि, आकस्मिकता निधि बात की हमने, और फिर हमने लोक लेखा निधि की भी बात की। तो ये जो आपकी निधियाँ हैं भारत की, हमने उसके उस पर चर्चा की पिछले वीडियो में, ठीक है। आज का जो आपका ये वीडियो होगा इसमें थोड़ा संसद के कार्यों को, जो शक्तियां हैं संसद की, उनको हम स्पेसिफाइड तरीके से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बातें हम यहाँ पे करेंगे वो बात आप नई है बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है वो बातें। वो सारी बातें आपने पहले इसके पहले वाले लेसन्स में पढ़ रखी हैं। बस है क्या कि हम एक सेक्शन बना रहे हैं जिसमें संसद के कार्य को हम एक जगह लेकर आ रहे हैं, और संसद के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, इनको हम एक जगह ला करके स्पेसिफाइड तरीके से हाईलाइट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको चीज़ों आसानी होगी। और बिफोर हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो क्लासेस के मतलब लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर आपको जो क्वेश्चंस, जो प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप चाहें तो फेसबुक पेज पर डाल सकते हैं। अब फेसबुक पेज कौन सा है, उसके लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट है जिसके जिसमें एक वीडियो है अबाउट फेसबुक पेज, उसमें आपको क्लिक करना है, उस वीडियो को देखना है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, और नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का जिसका नाम है आदित्य सिविल सर्विसेज। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप फेसबुक पेज पर डाइवर्ट हो जाएंगे, और मतलब रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप पेज को लाइक कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप चाहें तो आदित्य सिविल सर्विसेज नाम का एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्दी सोच रहा हूँ एक और वीडियो बना दूँ आप लोग के फेसबुक पेज के लिए, उसमें मैं ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि शायद बहुत से लोगों ने कहा कि ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक नहीं मिल पा रहा, कैसे जुड़े उसमें। तो मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके फेसबुक पेज के बारे में फिर से बताया जाएगा, और ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप अपने आप क्वेश्चन आंसर अपलोड कर सकते हैं, और बाकी जो अपडेट्स होते हैं मेरी तरफ से वो भी अगर आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, मतलब मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अगर कोई कुछ मुझे कहना रहता आप लोगों से तो मैं वहाँ पर बातें अपनी रख देता हूँ, ठीक है। तो इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो कार्य है संसद का कार्य है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप जब लेक्चर देखते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आता तो उसे डिसलाइक करें, दोनों ही कार्यों के लिए आप फ्री हैं। कमेंट करें, अपने सजेशन दें, आप सजेशन से ही चीज़ें धीरे धीरे बेहतर बनती हैं, जो कि अच्छी बात है। शेयर करें वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम संसद के कार्यों और शक्तियों के बारे में। देखिए, जो सबसे टॉप मोस्ट जो कार्य है संसद का, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो संसद का सबसे टॉप मोस्ट कार्य वो क्या है, विधि का निर्माण करना। आप सभी से परिचित हैं, सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि संसद जो है उसका सबसे बड़ा कार्य क्या है कि वो देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है, ठीक है, विधि का निर्माण करती है। किसी भी मुद्दे पर अगर विधि की जरूरत है, विधि की आवश्यकता है, तो संसद जो आपके देश की है वो इस आवश्यकता को पूरा करती है, ठीक है। तो विधि बनाने का जो कार्य होता है वो संसद का होता है, और ये सबसे सर्व प्रमुख कार्य है देश की संसद का, ठीक है। अगर हम कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो संसद के द्वारा विधि बनाने का जो कार्य किया जाता है ये इसका सर्व प्रमुख कार्य है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी टर्शियरी आती हैं, लेकिन जो प्राइमरी वर्क है वो आपका विधि बनाना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो संसद जो होती है वो कार्यपालिका, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, इस प्रकार तानाशाही से देश की रक्षा करती है। संसद का दूसरा सर्व प्रमुख कार्य है वो ये है कि कार्यपालिका जो आपकी होती है, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है, इन पर नियंत्रण रखना, देखना कि कहीं ये अपनी शक्तियों से बाहर निकल के दूसरे 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 की शक्तियों का अतिक्रमण ना कर लें, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति को देखना और कहीं तानाशाही रवैया ना अपना लें, इस प्रकार की चीज़ों को भी नियंत्रित करती है संसद। और उसके लिए कई तरीके, कई टूल्स दिए गए हैं, संसद को प्रोवाइड किए गए हैं, और उन टूल्स का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तानाशाही से देश की रक्षा करती है, मतलब कार्यपालिका को नियंत्रण में रखती है संसद, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधि बनाने का कार्य आपके विधायिका का है, लेकिन कभी कभी अध्यादेश भी जारी किया जाता है, तो अध्यादेश जारी कार्यपालिका करती है, लेकिन असल में वो उसका कार्य नहीं होता है। तो एक होता है ना कि शक्ति से परे जाकर के, किसी दूसरे की सीमा में जाकर के वो कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार अध्यादेश जारी कर करके यही कार्य करते हैं, तो एक तरह से तानाशाही की स्थिति आती है, भाई किसी और इंस्टीट्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे, सब सर्वेसर्व अपने आप को ही बना लिए हैं, मान लिए हैं। इस वजह से देखेंगे आप तो एक जो एक संस्थान की जो एक गरिमा होती है, जो कार्य होता है, और जो एक सीरीज बनती है, वो सीरीज कहीं ना कहीं टूट जाती है, ठीक है, कि सभी लोगों को कार्य बांटा गया है, कौन 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 से कार्य करेगा,
तो इसमें आप देखेंगे कई व्यक्ति सारे कार्य कर रहा है, मतलब अपने आप को ये सब कुछ मान लिया वो। तो इस प्रकार की स्थिति जब आती है तो उसे कहते हैं तानाशाही की स्थिति आ गई है, और इन सब चीज़ों से निपटने के लिए संसद जो है सक्षम है, उसके पास कई टूल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल्स हैं इसे थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रशासनिक टूल्स हैं कुछ, आपके पास वित्तीय टूल्स हैं उससे आप चर्चा करेंगे। तो अभी आपने जो सर्वप्रमुख कार्य था वो देखा कि विधि बनाने का कार्य जो है सर्वप्रमुख है। दूसरा कार्य है कि संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के साधन कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो साधन की बात करेंगे वो होगा हमारा प्रशासनिक साधन, मतलब प्रशासनिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, इसके माध्यम से कैसे संसद कार्यपालिका पर आपके नियंत्रण रखती है। अगर बात करें तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, क्या इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है? आप पूरी तरीके से सब कुछ जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, क्योंकि आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मंत्रिपरिषद ज़्यादा उछल कूद करती है तो फिर उसमें है ये कि अगर लगता है कि संसद मतलब उसके कार्यों इत्यादि से ऐसा लगता है कि अब उसके बहुमत इत्यादि नहीं रह गया तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और अगर वो पारित कर दिया जाता संसद के द्वारा तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अन्य तरीके, अन्य प्रस्तावों के द्वारा, अन्य प्रस्ताव कौन कौन से हैं, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन आपका जो ये, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सब जो जो प्रस्ताव हैं इनके माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सब बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पूछकर, मतलब कि किन्हीं मुद्दों पर क्वेश्चन कर करके कि भाई आप इस मुद्दों पे क्या कार्य कर रहे हैं, आपने कुछ किया भी या नहीं किया, केवल बस सरकार की रोटी तोड़ रहे हैं, इस प्रकार की मतलब प्रश्न इत्यादि कर करके इनसे इनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि इनको नियंत्रण में रखा जाता है। चर्चाओं के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके, ठीक है, वाद विवाद करते हुए चीज़ों को देखा जाता है कि सरकार कैसा सोच रही है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही, सही से कर रही या नहीं कर रही। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कई तरीके हैं प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाए ताकि वो तानाशाह न बन जाए। ठीक है, चलिए और टूल्स की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे वित्तीय नियंत्रण की, बात करेंगे कि फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए संसद मंत्रिपरिषद वित्तीय नियंत्रण भी रखती है, और जो वित्तीय नियंत्रण रखती है संसद तो इसमें भी कई टूल्स इसको प्रोवाइड किए जाते हैं कि इन माध्यम से ये क्या करती है, इस पर नियंत्रण रखती है। आइए चर्चा करें कौन कौन से माध्यम है। सारी चीज़ें आपको बताई हैं, पहले से बताई जा चुकी हैं। बजट के द्वारा नियंत्रण, देखिए बजट सबसे पहले जो जरूरी बात है वो है बजट वित्तीय, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक सरकार हर एक साल के लिए मतलब एक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट लेकर आती है कि भाई ठीक है एक वित्तीय वर्ष जो आपका है मार्च से शुरू होकर अप्रैल में अप्रैल से शुरू होकर के आपका मार्च तक जाता है, इसमें हमें खर्चे इत्यादि करने के लिए हमें आय के स्रोत इत्यादि से जुटाने उठाने जो ब्यौरा इत्यादि होता है वो सारे ब्यौरे आपको जो है मतलब पेश किया जाता है बजट के तौर पे। तो वो बजट ऐसा थोड़ी है कि बजट पेश कर दिया गया तो सारा पैसा जो मतलब जहाँ जहाँ से मिल रहा है उसको खर्च करने के लिए जो आपके मतलब संसद है वो जो आपका कार्यपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या होता है बजट के हर मुद्दे पर उसमें बहस होती, मतदान होता है, तब जाके चीज़ें पारित होती हैं, तब जाके उनको पैसे इत्यादि मिलते हैं उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बजट द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, धन विधेयक के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर उनको लगता है संसद को कि नहीं पैसे को ये बहा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, खर्च जहाँ कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है, केवल इनपुट दे रहे हैं और इसका भविष्य में भी कोई आउटपुट मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, तो धन विधेयक इत्यादि को भी वो गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे वित्तीय जो साधन है उसमें ये चीज़ें आती हैं। कटौती प्रस्ताव पर के द्वारा नियंत्रण, कटौती प्रस्ताव के बारे में हमने पढ़ चुका है, पढ़ लिया, इसके माध्यम से भी इसमें नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। संसद की वित्तीय समितियों जैसे लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण, देखिए अभी आपने समिति तो नहीं पढ़ा है लेकिन इतना समझिए कि जो समितियाँ इत्यादि होती हैं वो भी नज़र बनाए रखती हैं कि भाई कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च किया जाना चाहिए और कितना आपने खर्च कर दिया। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखती हैं, जब समितियाँ पढ़ेंगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे। संसद विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति इत्यादि हैं, तो इनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो ये भी एक कुछ कार्य हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, वित्तीय हमने देख लिया था। ठीक है, अब कुछ और शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संसद जो आपकी वो क्या करती है, विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है और विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति में भी भाग लेती है। ठीक है, मतलब चुनने में भाग लेती है, निर्वाचन में भी भाग लेती है और पदमुक्ति में भी भाग लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो राष्ट्रपति हैं, जज हैं, कैग हैं, सीएजी चुनाव आयुक्त हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इन लोगों के पदमुक्तियों में भी संसद भाग लेती है। और
विभिन्न पदाधिकारियों के मतलब निर्वाचन में भी भाग लेती है। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अभी जज और सी ए जी और चुनाव आयुक्त वाले ये सब इंडिविजुअल टॉपिक हैं, तो जज का तो अलग हम देखेंगे। जो अब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो चूंकि हमारी एकीकृत न्यायपालिका है तो उसमें हमें स्टेट का अलग और सेंटर का अलग पढ़ना नहीं है, बल्कि एक साथ उठाना है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करके नीचे सब आपके दीवानी सब सब देखते हुए चलते चलना है, ठीक है। तो एक ही बार हम उसे कंप्लीट करेंगे। और सी ए जी चुनाव आयुक्त ये सब मतलब इंडिविजुअल टॉपिक हैं, तो इनको हम अलग से देखेंगे और एक एक या दो दो लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे हम। कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इन सबके पदमुक्ति में भी क्या करती है, अपनी संसद भाग लेती है, ओके। संसद संविधान में संशोधन करती है और बदलते समय के अनुसार संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखती है। देखिए इसका इस सेंटेंस का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि मान ली कोई कानून आज़ादी के समय बना तो आज भी वो उतना रेलेवेंट हो जितना कि उस समय बना हो, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो संसद क्या करती है यहाँ पे, विधि बनाती है। तो ऐसा ये भी करती संसद, ये भी करती है इसमें कि अगर कोई कानून ऐसा रह गया है जो अब बदलते समय के साथ साथ अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है, मतलब उसकी कोई रिलेवेंसी रह नहीं गई है सच, तो संसद उस कानून में संशोधन कर सकती है, ठीक है। संशोधन करके फिर से उस कानून को आज के समय के अनुसार बना सकती है जो कि आज के समय में ज़्यादा रिलेवेंस हो, ठीक है, रिलेवेंट हो। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो संविधान संशोधन का जो एक मतलब शक्ति है संसद के पास, उसके माध्यम से वो जो विभिन्न प्रकार के कानून हैं उनकी मतलब देखें तो प्रासंगिकता को बनाए रखती है, ठीक है। वर्तमान में भी प्रासंगिकता को बनाए रखा जाता है वो संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी शक्ति है संसद के पास और मुझे लगता है बहुत ही अहम शक्ति भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसे। तो हमने ये देखा संसद के कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, हमने कहा छोटा सा वीडियो रहेगा इसमें हम बस थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके इसे देखेंगे। इसी बात में अगला वीडियो करना है जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा के बराबर कब है, या फिर लोकसभा राज्यसभा से ग्रेटर कब है, या फिर राज्यसभा लोकसभा से ग्रेटर कब है, या फिर दोनों पूरक हैं दूसरे की, इसी चीज़ों को हम देखेंगे। तो वो अलग वीडियो आपको करेंगे हम। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका अच्छी वीडियो जिसमें हमने बात की संसद के कार्य शक्तियों के बारे में बात की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।